बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आप सुन रहे हैं असद सिद्दीक टीवी और मैं आपको आज बताने वाला हूं मजून लगा रहे हैं रंग भाई पेंट का काम यानी कैसे करते हैं। सऊदी अरब में ये पेंट का काम कैसे होता है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा, और इसकी सैलरी के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ कि सैलरी अगर कंपनी में है आप तो कितनी मिल सकती है, अगर बाहर काम कर रहे हैं तो कितने पैसे कमा सकते हैं, ये सब कुछ इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और एक कमेंट कल आया था उसका भी जवाब हम देंगे इंशाल्लाह, अगर कोई हमें कमेंट करता है तो उसका रिप्लाई अगली वीडियो में देने वाले होते हैं। चलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नहीं किया तो ज़रूर कर लें, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन शायद आपके लिए ही होगी। तो जनाब मोहतरम, पेंट के काम में 120 रियाल दिहाड़ी मिलती है योमिया यानी मिलती है, और 150 भी मिलती है, और 200 रुपये भी मिलती है, और 220 भी मिलती है। किस किस को मिलती है, वो कैसे मिलती है? जनाब जैसे आप कारीगर हैं वैसे आपको योमिया पर डे मिलेगा। अगर आप 150 वाले कारीगर हैं तो 150 रियाल मिलेंगे, अगर आप 200 वाले हैं तो 200 की मिलेगी दिहाड़ी, अगर आप 180 वाले हैं तो आपको 180 ही मिलेंगे। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने वाले कारीगर हैं और कितने वाले नहीं। और ये मजून लगा रहे हैं एक बंगाली भाई जो कंपनी में काम कर रहे हैं, और कंपनी में इनकी सैलरी है तकरीबन 1400 रियाल और प्लस 200 रियाल। हर कंपनी का अलग अलग रेट होता है, कोई कंपनी भी एक मुताबिक सैलरी नहीं देती। यही मैं जैसे आपको दिहाड़ी योमिया पर डे के बारे में बता रहा हूँ। सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन का ही काम है बहुत ज़्यादा, इसी के बारे में आपके साथ मैं वीडियो शेयर करता हूँ। और वीज़ा प्रोसेस क्या है वो सब कुछ, अगर आप कंपनी का वीज़ा लेना चाहते हैं तो कैसे मिलता है आपको, अगर पाकिस्तान से मिलता है तो फिर भी बताता हूँ, अगर आपको सऊदी अरब से मिलता है तो तब भी ज़रूर बताऊँगा। पहले नंबर तो आप कंपनी का वीज़ा चाहते हैं तो वो आपको सऊदी अरब से नहीं मिलने वाला, वो आपको पाकिस्तान से ही किसी ट्रैवल एजेंसी से ही वीज़ा मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? उम्मीद करता हूँ आपको जो बात मैंने कही वो समझ गए होंगे। अगर आप किसी एजेंट से वीज़ा लेते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। ट्रैवल एजेंसी पर अक्सर कंपनी के वीज़े होते हैं, और वो भी बाएतमाद इदारे पर, दूसरे पर नहीं। आप वीज़ा लेना चाहें जो आपको वीज़ा दे दे और आप इधर आकर दर दर जलील हों, वो फ़ायदा नहीं है उस काम का। सैलरी कुछ बताई गई हो, आपके वीज़े पर कुछ इतफाक हुआ हो और आपको दी कुछ और सैलरी जाए, ये अक्सर होता रहता है। ड्रामेबाजी अक्सर एजेंट करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रामेबाजी नहीं होती, वही एजेंट आपको पैसे लेने के लिए करते हैं ड्रामेबाजियाँ जो करते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताता जाऊं कि अगर एक भाई ने कल बताया मुझे 3 लाख का एक ट्रैवल एजेंसी वाला वीज़ा दे रहा है और उसमें 1500 सैलरी बता रहा है वेल्डिंग के काम की, नहीं भाई आप 3 लाख लगा रहे हैं, थोड़े और ज़्यादा लगाएं तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। 3 लाख लगा रहे हैं तो 4-4.5 लगा लें, आप अच्छे पैसे खासे कमा सकते हैं। 1500 सैलरी क्या है? मैं मानता हूं कि 1500 सैलरी भी है, 1500 से भी कम है और 1500 भी ऊपर भी है, क्यों आप वीज़ा ही वही ले रहे हैं जो 3 लाख का है, और आपको सैलरी भी तो उसी हिसाब से मिलेगी। शायद आके कंपनी में जहां भी आप आ रहे हैं आपको 1500 भी ना मिले, वो आपको कुछ और बताया जाए कि हमने तो भाई कुछ और बात की और आप 1500 पर टिके हुए हो, ये नहीं हो सकता भाई। ये तभी आपको पता चलेगा, एतमाद होगा जब आप वहाँ पर आप मौजूद पहुँच जाएँगे उस कंपनी या कफील या मसस्से के अंदर जहां आपको आना है पाकिस्तान से।